हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में यानी कि लास्ट वीडियो में हमने अपना कासल का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया था, मतलब डेकोरेशन बाकी था, बाकी सारा काम कंप्लीट हो गया। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डेकोरेशन करने वाले, पर आज का वीडियो अपने डेकोरेशन पे नहीं है, मतलब कि आज की वीडियो में डेकोरेशन करने वाले है पर जो वीडियो है वो डेकोरेशन के लिए नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको जो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, मतलब कि आप देख सकते हो सारा डेकोरेशन का सामान मैंने कलेक्ट कर लिया है। आपको जितना भी सामान दिख रहा है इससे सबको कलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत गई है, यानी कि अलग अलग वुड कलेक्ट करनी थी यार। डार्क ऑक वुड ढूंढने के लिए मुझे 3000 ब्लॉक जाना पड़ा, तब जाकर डार्क वुड मिली। और दूसरा चीज दिखाता हूँ, ये देख लीजिए गाइस, ये जितने भी सामान है उस सबको मैं डेकोरेट करने वाला हूँ, इस सबका यूज होने वाला है अपने डेकोरेशन में। तो गाइस, फटाफट से चुटकी बजाती थी, मैं अपना डेकोरेशन का काम कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद जो अपने वीडियो का मेन काम है आज को वो शुरू करने वाले। तो देख लीजिए गाइस, मैंने बहुत सारी चेस्ट अंदर भर के रखी, इतना कबाड़ खाना बन गया अभी तो अपना। अभी अपने जो महल है उसमें पूरा डेकोरेशन करना है, तो चलिए गाइस फटाफट से मैं डेकोरेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके गाइस, अब टाइम आ चुका है फाइनली आपको अपना कासल दिखाने का। तो गाइस, आर यू रेडी? सो गाइस, लुक एट दैट, अपना कासल कितना शानदार दिख रहा है गाइस, और अभी भी डेकोरेशन बाहर की बाकी। तो गाइस, अब अगर डेकोरेशन करता रहा तो भाई पूरी गेम में बस डेकोरेशन करता रहूंगा। अभी हमें और भी काम करना है तो इधर तक रखता हूँ, जैसे हम आगे खेलेंगे जैसे जैसे ऐसे हम अपना डेवलपमेंट करते जाएंगे। तो चलिए गाइस, आपको दिखा था अपना कासल अंदर से कैसा लग रहा है। और गाइस, सबसे पहले तो ये चीज़ जो मैंने बनाई वो कितनी बढ़िया लग रही है गाइस, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और चलिए, आपको दिखा था अपना कासल अंदर से कितना शानदार लग रहा है भाई साहब। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। तो गाइस, अभी आप जो देख रहे हो इधर वो है अपने, इधर अपने को फ्लावर्स ग्रो करने, मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे पास उतने सारे फ्लावर्स नहीं है, बाद में इसे कंप्लीट कर दूंगा। और गाइस, आपको दिखा तो अपना मेन हॉल, तो ये बहुत सारा काम बाकी है, जज मत करना, मतलब कि अभी बहुत सारा। ओ भाई साहब, ये क्रीपर भाई आ गए फिर से, मतलब ये ज़ॉम्बीज यहाँ स्पॉन होते रहते यार, यही तपली के बहुत बड़ी। तो फटाफट से मैं इसे मार देता हूँ, या फिर पता नहीं ये फटेगा तो मेरा सारा काम तमाम करेगा भाई। आ जा भाई, पानी में फट जा, पानी में फट जा, आ जा आ जा आ जा, तो पानी में फट जा यार, फटले 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 फटले। चले गाइस, ये पानी में फट चुका गाइस, अभी तो मेरे बहुत सारे आयरन कॉलम बनाने पड़ेंगे ताकि हमारा कासल का जो आराम से वो रक्षा कर सके, एंड कि बहुत सारे आयरन कॉलम हमें चाहिए होंगे। तो गाइस, आप देख रहे हो सामने एक तीन कमरे, ये दोनों कमरे हमारे यूज़ के लिए, और दूसरा अपना मेन रूम है। तो यहाँ भी मॉन्स्टर की आवाज़ आ रही है भाई मुझे तो। ये अपना मेन लिविंग रूम है जहाँ पे हम सोने वाले हैं और थोड़ा वर्क करने वाले हैं। अब दिखाता हूँ सामने के दोनों तरह के दो कमरे, जो कमरे होंगे अपने खास चीज़ों के लिए, यानी कि इसमें अपने वेपन्स रखने वाले हैं सारे, और जो दूसरा है उसमें हमने प्रीसियस जेम यानी कि डायमंड्स गोल्ड वगैरह हम रखने वाले हैं। दूसरा कमरा भी ऐसा ही है। और गाइस, ये जो दो बड़े बड़े कमरे हमने बनाए थे उसका यूज़ अभी मैंने नहीं पता, मतलब कि इसको यूज़ हम बाद में करने वाले हैं जैसे हम आगे खेलते जाएंगे वैसे। अब चलते दूसरी ओर, सामने वैसा ही कमरा है, सेव आप देख रहे हो भाई, तो सामने का कमरा भी ऐसा ही। और ये बड़ा हॉल है जिसमें डेकोरेशन धीरे धीरे करता रहूँगा। तो गाइस, अभी तो गेम की स्टार्ट है इसलिए मैं बहुत सारा काम बाकी है गाइस। यहाँ भी हम दरवाज़ा लगाएंगे जो होगा ऑटोमेटिक। अब चलते हैं ऊपर की ओर, आप देख रहे हो इधर मैंने कितना शानदार स्विमिंग पूल बनाया है, और इधर बैठने का बहुत ही बढ़िया हो, सामने ऐसा ही है। और चलते हैं ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर को दिखाता हूँ मैंने कितना बड़ा डेकोरेशन करके रखा है। तो ये है गाइस अपना कुछ ऐसा होटल टाइप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही शानदार दिख रहा है गाइस। आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, इसका लुक आप देख सकते हो गाइस कितना शानदार है। और फाइनली गाइस, ये आप देख रहे हो ये अपना वर्किंग रूम है, यानी कि जो भी काम होगा वो हम यहाँ करने वाले हैं। ये हाँ, मैंने कुल चार लाइनें बनाई है जिसका अलग अलग यूज़ है, मतलब कि ये बीच की लाइन है उसमें हम स्टोन का काम करने वाले हैं सारा, इस लाइन में हम सारा डायमंड एंड गोल्ड एंड उसका काम करने वाले हैं, इस लाइन में अपना डेकोरेशन काम जो है वो होने वाला है। तो गाइस, ये भी वर्किंग रूम जोरों शोरों से चलने वाला है आगे के एपिसोड में। तो चलते सामने की ओर, मैंने बिल्कुल वैसा काम किया है क्योंकि मैंने सब अपना लुक का ध्यान रखा है ताकि अपना कासल का जो लुक वो खराब ना हो भाई। और चलते ऊपर की ओर मेन रूम की ओर, तो ये रूम है जो अपना नेदर का स्पेशली नेदर के लिए बनाया, मतलब कि इधर से ऊपर जाने के बाद अपने नेदर वर्ल्ड में जाना है। और ये जो रूम है इसमें हम नेदर का जितना भी सामान है वो सारा स्टोर करने वाला है, इसको भी डेकोरेशन करने वाला है बाद में। तो गाइस, इसका लुक भी बढ़िया है। और चलते हैं फाइनल ऊपर की ओर, तो आपको दिखा था ऊपर के इसका लुक कैसा है, मतलब कि यहाँ अपना नेदर बनने वाला है और उसके सामने एक शानदार चीज़ बनने वाली है जिसका आपको बाद में पता चलेगा गाइस। तो चलिए नीचे की ओर आपसे दिखाता हूँ, और ये वॉच टावर दोनों बनाई है, इसका लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना गाइस। चलते मैं आपको वॉच टावर पर चढ़ के दिखाता हूँ, उससे भी कितना बढ़िया लुक आता है वो दिखाता हूँ गाइस फटाफट से। तो गाइस, अभी बहुत सारा काम बाकी है, मतलब कि जैसे हम खेलते जाएंगे वैसे डेवलपमेंट्स होते जाएंगे कासल में। तो गाइस, चलिए ऊपर की ओर चलते हैं फटाफट से। और ये देखो गाइस, हम ऊपर की ओर आ गए, इधर मैंने लालटेन लगाइए, इधर टॉर्च लगाइए। तो गाइस, इतना जबरदस्त दिख रहा है इधर से नज़ारा,
अभी बहुत सारा काम और भी बाकी है, जो काम होता रहेगा शानदार आपको दिखाता रहूंगा धीरे धीरे। तो चले गए फटाफट नीचे और चलते और देखते अपना कासल कैसा लग रहा है भाई साहब। तो गाइस ये था अपना कासल का पूरा मतलब आपको टूर करा दिया मैंने। अब जो इसमें डेवलपमेंट्स आपको लगते हैं कौन से करने चाहिए वो कमेंट्स में जरूर लिखना, और दूसरे डेवलपमेंट में विथ टाइम करने वाला हूँ। और ये गाइस इसका लुक बहुत शानदार आ रहा है, मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना गाइस। तो चलिए गाइस चलते अपने आज के मेन काम की ओर जो कि हमें फोकस करना है, तो फटाफट से उसे भी स्टार्ट करते गाइस। तो ओके गाइस आज हम फाइट करने जा रहे हैं एक मैजिशियन से जो कि अपने पर जादू करके अपने को मार सकता है। तो गाइस वो बहुत ही खतरनाक है, तो उससे फाइट करने के लिए हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि आप देख सकते हो अभी अपने कुछ भी नहीं पहना, मतलब कि कुछ भी नहीं पहना है। तो सबसे पहले हम आयरन का कुछ टूल्स बना लेते हैं जो कि है अपना चेस्ट वगैरह एंड हेलमेट वगैरह बना लेते हैं ताकि अपने को थोड़ा सुरक्षित महसूस हो। और थोड़ी शॉर्ट वॉल ले लेते हैं डायमंड की, अपने पास डायमंड पड़े तो एक डायमंड की शॉर्ट ले लेते और चलते उस मैजिशियन को मारने के लिए गाइस। तो गाइस आज तो उसकी हम बाट लगाने वाले और उसके घर में जो भी लूट मिलती है सारे लूट लेने वाले हैं। तो फटाफट से अपनी तैयारी कर लेते, उसके बाद चलते उसके साथ फाइट करने। पता नहीं मैं उसके डिफेंस कर पाऊंगा या फिर खुद ही मर जाऊंगा, कुछ कह नहीं सकते गाइस। तो यहाँ अपने को एक डायमंड शॉर्ट मिल रही है, अपने को डायमंड शॉर्ट ले लिए भाई अपने। और भाई साहब चलिए फटाफट से हाउ पे क्लिक हो गया, तो कोई बात नहीं फटाफट से ये क्लिक करते और आप देख सकते हो गाइस इसका लुक कितना शानदार आ रहा है। मतलब तो गाइस अभी अपने को थोड़े आयरन के मतलब आर्मर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे ताकि हम आराम से फाइट कर सके, और चलते उसके साथ फाइट करने के लिए फटाफट से। तो फटाफट से अपने जो पूरा कैरेक्टर उसे आयरन का कर देते हैं भाई। तो अपने को हेलमेट मिल रहा है और फिर कुछ नहीं, तो एक हेलमेट भी पहन लेते हैं फटाफट से ताकि तब तक हम अपने को पूरा आयरन से तैयार होना है गाइस। जब फाइनली अपना कैरेक्टर जो है वो तैयार हो चुका है, मतलब कि आप देख सकते हो हाथ में डायमंड शॉर्ड है और अपने पास जो भी है वो सारा सामान आयरन का मैंने पहन लिया, मतलब आयरन का सब कुछ पहन लिया और हाथ में डायमंड शॉर्ड एंड शील्ड वगैरह आ चुकी है। तो गाइस अब टाइम आ चुका है उस मैजिशियन को मारने जाने का। तो चलिए गाइस चलते हैं फटाफट से उसके घर की तरफ, हमें जहाँ तक पता है उसका घर हमने पीछे तरफ था। तो गाइस उसको मार के आना, जो भी लूट मिलती है वो लेके आना, मतलब कि अगर उससे कुछ बेहतर सामान मिलता है, मतलब मैजिशियन है भाई, हम भी शायद वैसे बन सकते हैं, मतलब किसी को मार सकते हैं आराम से, तो फिर ज़ॉम्बीज़ का डर नहीं रहेगा भाई। तो चलिए फटाफट से उसके घर की ओर चलते हैं गाइस। तो ओके ऐसे मैं फाइनली भागता भागता आ चुका हूँ, आपको सामने जो दिख रहा है वही है शायद उसका घर, अब मुझे पता नहीं वो मैजिशियन है और फिर कुछ दूसरा कुछ और है। तो चले गाइस चल के देखते हैं, अगर शानदार चीज़ मिल गई तो बहुत ही बढ़िया है गाइस। अब हमें बहुत ध्यान से जाना होगा, कहीं उसने हमें देख लिया तो वो हम पे जादू चला देगी और हम मर जाएंगे गाइस। अगर हम मर गए तो काम तमाम भाई साहब, तो हमें शांति से उसके घर तरफ जाना होगा। तो चलिए पीछे से वार करते हैं, मतलब कि पीछे से चलते हैं, सामने से नहीं जाना पड़ेगा भाई अभी के लिए। उसका घर उधर की ओर, हम चले गए इधर से, बस हमें वो देखना है यार, वरना हम गए काम से। चलिए फटाफट से उसके घर की ओर चलते हैं। और ओ भाई साहब अब देख रहे हो उधर वो मुझे दिख गई माय गॉड, मैंने उसे देख लिया भाई साहब। ओके गाइस अब हमें शांति से छुप के चलना होगा वरना हम गए काम से। मैंने उसे देख लिया, इधर ही है वो रही देखो वो रही, वो भाई साहब वो रही। ओ नो अब कैसे बचेंगे यार, हमें जाना तो है, और अगर उसने हमें देख लिया तो हम गए काम से, मतलब कि वो हमें जादू कर देगी भाई साहब। ओ भाई बचना पड़ेगा धीरे से, और रात भी हो रही है शायद से। ओ भाई साहब दोपहर अभी तो रात हो जाएगी, तो गए काम से। अरे वो रही हम उसके घर पे चलते सबसे पहले, तो फटाफट से शांति से। अरे भाई अंडर वाटर चल प्लीज़ देखना मत यार प्लीज़। अरे भाई साहब डर लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत। ओके बोरा हमें तो छुपना पड़ेगा यार। ओ गाइस ओ भाई साहब वो रहा हमें छुप के आगे बढ़ना पड़ेगा धीरे से एकदम सीरियसली। वही खड़ा है, वो पीछे मुड़ के खड़ा है, मुझे जरा भी आवाज नहीं करनी है। तो गाइस अभी मैं उस पे हमला करने वाला हूँ एकदम से। गाइस वो गया, मतलब गाइस वो गया, चलो शाबाश भाई। मुझे लगा था बहुत डर लग रहा था, पर ये तो बहुत ही सिंपल था यार। उससे कुछ मिला नहीं क्या हमें? अरे भाई उसके हाथ में जो था वो कहाँ गया?
और भाई साहब उसके बाद में मॉन्यूमेंट था कुछ कुछ तो था। ओके ये कुछ मिला है गाइस, देखते क्या है। ये है गोल्ड स्टोन डस्ट। ओ भाई बस इतना ही? अरे उसके हाथ में जो था वो कहाँ गया? ओ भाई साहब चलो उसको घर घर में देखते हैं मतलब क्या मिलता है। भाई साहब मतलब मुझे लगा था कि बाहर डरावना है पर तो बहुत सिंपल निकला यार, मैं खामखा डर गया। चले गाइस फटाफट चलते इसके घर के ऊपर। अरे हम चले, ये क्या? ये तो कुछ नहीं है भाई साहब। अरे ये क्या माई, ये तो कुछ नहीं है, बस ये अपने विलेजर्स के काम में आता है, बस यही है। तो गाइस ये मैजिशियन नहीं था क्या? मतलब कि मैं जो सोच रहा हूँ वो था या नहीं था गाइस मुझे पता नहीं, पर यार पता नहीं अब क्या हुआ। मतलब कि यार लगता है पोपट हो गया अपना। तो गाइस मुझे पता नहीं वो मैजिशियन था या नहीं था, पर मुझे पता नहीं यार। अब चलते घर की ओर, सामने को आइए फटाफट से घर की ओर निकलते हैं। भाई साहब अपने पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है घर के जाने का, तो चलिए गाइस फटाफट से घर पे चलते हैं और अपना दूसरा काम शुरू करते हैं। गाइस फाइनली भागते भागते अपने घर की ओर आ चुके हैं हम, और यहाँ रात भी बहुत हो रही है। तो गाइस अब अपना काम होगा वो फार्मिंग वार्मिंग करना होगा, मतलब आज के वीडियो में हम अपना फार्म बनाएंगे बहुत ही बढ़िया सा, और अपनी फार्मिंग हो वो स्टार्ट करेंगे। तो गाइस फार्मिंग करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी, जैसे कि अपने कैरेट्स पोटैटोस वगैरह चाहिए होगा, और उसके लिए भाई हमें कुछ ही फार्म किसी विलेज में लूट करनी पड़ेगी। मतलब कि ओनली वीट से अपने पास अभी तो और वीट से अपना काम होने वाला नहीं है भाई, तो खाली वीट से तो अपना काम नहीं होने वाला, इसके लिए हमें थोड़ी लूट वूट करनी पड़ेगी। और भाई मॉन्स्टर दिखा रहा है अपने आसपास, तो चले गाइस ढूंढते हैं मॉन्स्टर को मारते। अरे ये भी यार क्या लफड़ा है इसका। आजा भाई किधर है तू, आजा आजा। अरे भाई किधर है? ओके वो रहा। अब फिर से कोशिश करते सोने की भाई, काश सो जाए तो अच्छा है। तो गाइस अभी सुबह होते हैं, हमारा बड़ा फार्म बनाने वाला है जो कि बहुत ही बड़ा होने वाला है, और उसके बाद जो है अपना बस सारा एनिमल्स को कलेक्ट करना है, मतलब कि सीप गाय भैंस बकरी जितना भी है सब लेके आना है। आजा भाई आजा आजा, भीड़ ले मेरे से। तो चले गाइस फटाफट से अपनी फार्मिंग को स्टार्ट करते हैं, अपना फार्म जो है बनाना पड़ेगा अपने कासल के आगे के एरिया में, और अब अपना कासल जो धीरे धीरे आपको बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है। तो चले गाइस फटाफट से अपने फार्म को मैं स्टार्ट करता हूँ। गाइस अब अपना टाइम है अपना फार्म बनाने का, यानी कि जितनी भी आप डर्ट देख रहे हो सारे को हटाना पड़ेगा, उसके बाद अपना फार्म बनने वाला है। इसके सामने एक शानदार चीज़ बनाने वाला हूँ, इसीलिए अपना फार्म जो है इस तरफ बनने वाला है। एक फार्म जहाँ पे हम अपना सारा ग्रो करेंगे मतलब कि कैरेट्स वगैरह, और दूसरी तरफ बनने वाला दूसरा फार्म जहाँ अपने एनिमल्स को रखने वाले। तो चले गाइस फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं इधर की क्लीनिंग को, यानी कि हमें जो क्लीनिंग करनी है वो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। तो जितनी भी डर्ट है सारे डर्ट को हटाना पड़ेगा, ताकि हमें बहुत ही शानदार जगह मिल जाए क्लीनिंग करने के बाद, और उसके बाद जो अपना फार्म का काम है शुरू करना है। तो फटाफट से मैं एक बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मुझे यहाँ वहाँ खोदना नहीं है भाई। तो कैसे मुझे बाउंड्री बन चुकी है, मतलब चारों तरफ से मैंने बाउंड्री बना दी है, और अब जो बीच का जो भी है मतलब पेड़ वगैरह डर्ट सब कुछ हटाना है, और उसके बाद सबको क्लीन करना है, और उसके बाद अपना फार्म का काम शुरू करना है। तो चले गाइस फटाफट से मैं अपने सॉइल को पकड़ लेता हूँ और अपने सारे डर्ट को हटाता हूँ, और जितनी भी डर्ट मिलती है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे गड्ढे भी अभी भरने होंगे। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं सब हटाना फटाफट से, सॉइल से बहुत तेज काम हो रहा है भाई साहब बतो। और स्टोन की है मेरे पास अभी आयरन की भी पड़ी है, तो मैं सबको यूज़ करूँगा, जितना भी हो सकता है सब कुछ हटा देता हूँ, और अपने उसके बाद अपना फार्म जो है शुरू करते हैं काम अपना। तो गाइस अभी जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा क्लीनिंग मैंने कर दी, आप देख सकते हो पूरा क्लीन कर दिया है। अभी अपना काम है अपना फार्म बनाना। तो चलिए गाइस फटाफट से फार्म को स्टार्ट करते हैं, अपने को सॉइल ले लेने अपने हाथ में। तो गाइस ये सॉइल मैंने अपने हाथ में ले लिए भाई, तो अभी मुझे इधर से 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ ब्लॉक पे एक, और इधर से 1, 2, 3 इधर एक डिक मारनी है भाई। रुक जाओ मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ फिर से। तो भाई साहब इधर आएगा अपनी लाइन, इधर आएगा अपना एक दीवार, इधर आएगा एक वो, और इधर आएगा वो, तो भाई इसे छोड़ना पड़ेगा। तो एक डिक इधर मारनी है, ऐसे दो ब्लॉक्स और छोड़ने हैं, 1, 2 एंड एक इधर मारनी है। तो ऐसी डिक मुझे मारनी है 19 ब्लॉक, तो फटाफट से मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ गाइस। तो कैसे ये फाइनली अपना वर्क कंप्लीट हो चुका है बहुत सारा,
अब जो काम है अपना वो है बाउंड्री बनाना और उसके बाद इधर सब अपने को ग्रो करना है और इतना ही ऐसा ही दूसरा उस तरफ बनाना है। पर फर्क इतना होगा कि उधर हमने एनिमल्स पालने, इधर अपने को खेती करनी है। तो अभी मैं अपना वाटर का एक इन्फिनाइट सोर्स इधर बना लेता हूँ, उसके बाद में वाटर भी भरना है और बाउंड्री बनानी है। तो सबसे पहले तो अपना वाटर का इन्फिनाइट सोर्स हमें कंप्लीट कर लेता है इधर ही भाई। तो चलिए गाइस, मैं वाटर बकेट लेके आया था दो अपने साथ और डर्ट अपने पास इतने सारे हो चुकी है कि मतलब पूछो ही मत, बहुत सारे डर्ट अपने पास हो चुकी है गाइस। तो ये बन गया अपना वाटर का इन्फिनाइट सोर्स। अभी इसमें वाटर बनना है, उससे पहले हम थोड़ी बाउंड्री अपनी कंप्लीट कर लेते हैं गाइस। तो बाउंड्री के लिए हमें बहुत सारे ब्रिक्स चाहिए होंगे, तो उस ब्रिक्स को हमें कंप्लीट करना होगा, बाउंड्री बनानी होगी इस ब्रिक्स से। तो चलिए गाइस, अपने पास बहुत सारे ब्रिक्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी। और गाइस अभी मैंने अपना कासल में रहने का काम स्टार्ट नहीं किया क्योंकि अभी भी कासल में बहुत सारे मॉन्स्टर स्पॉन होते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर उधर घूमते हैं। तो हम थोड़े आयरन कॉलम पहले बना लेंगे, उसके बाद अपने कासल में रहने वाले हैं गाइस। तो अपने पास बहुत सारे स्टोन तो पड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो उससे ही हमें अपने ब्रिक्स को बनाना पड़ेगा। फटाफट से इसे कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, जितने मिलते सारे ले लेते हैं और बाउंड्री को बनाना पड़ेगा। फाइनली अपने दोनों तरफ का काम कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो इधर अपना फार्म बन चुका है जिसमें ग्रो करना बाकी है, सब कुछ पानी वाने भर दिया है। और इस तरफ जो है अपना एनिमल्स का फार्म बन चुका है जिसमें फेंसिस लगाना बाकी है और फिर मैं एनिमल्स को लाने वाला हूँ इधर। तो गाइस इतना काम कंप्लीट हो चुका है। इधर बीच में जो बड़ी जगह आपको दिख रही है उधर भी बहुत ही बड़ी चीज़ आने वाली है, कोई टेंशन मत लीजिए। मुझे पूरा सोच के रखा है, मैं पूरा अपना माइंड में सब कुछ सोच के रखा है, वही करने वाला हूँ। तो बस आप देखते जाइए क्या करने वाले। तो फटाफट से रात हो रही है, जाके सो जाते हैं, उसके बाद सुबह हम सारे इधर एनिमल्स को ला देंगे, यानी कि फेंस बना देंगे और एनिमल्स को लाएंगे। एनिमल्स को लाने के लिए सब कुछ चाहिए होगा, वीट्स कैरेट वगैरह, तो उसके लिए हमें एक विलेज में जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं इसे कंप्लीट कर देने वाला हूँ ऑफलाइन में ही, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम बाकी है और मोबाइल में खेल रहा हूँ तो मोबाइल ज़्यादा हैंग भी होता है, इसलिए हम ज़्यादा खेल नहीं सकते लॉन्ग टाइम तक मोबाइल में। और गाइस आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने कुछ भी क्रिएटिव से अभी तक नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अनलॉक नहीं हो रही अचीवमेंट्स, तो आपको दिखा देता हूँ मैंने कुछ भी क्रिएटिव से नहीं लाया, क्योंकि मोबाइल में खेल रहा हूँ तो शायद अचीवमेंट्स नहीं अनलॉक हो सकती। तो आपके लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, क्रिएटिव से कुछ भी नहीं है, मैंने सारा अपनी मेहनत से किया हुआ है गाइस। तो आप देख सकते हो अभी इधर आया, आप देख सकते हो इधर लिख के आ गया अचीवमेंट कैन अन बी इन दिस वर्ल्ड, मतलब कि अगर मैंने वर्ल्ड को एक बार भी सर्वाइव क्रिएटिव मैसेज किया होगा और फिर मैं सर्वाइव में क्यों वापस आ जाऊँ। पर मेरे वर्ल्ड में उधर लिख के जाएगा अचीवमेंट कैन नॉट बी अन इन दिस वर्ल्ड। सो गाइस आपको माइनक्राफ्ट, आप माइनक्राफ्ट खेलते तो आपको पता होगा कि भाई क्रिएटिव में जाने के बाद सर्वाइवल में वापस आने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो गाइस मैंने सारा का सारा सर्वाइवल में खुद से बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है, तो गाइस उसके लिए लाइक तो बनता है। तो गाइस अभी अपना जो काम है वो होगा इधर से अपने को उधर लेके जाना है सारी अपनी सीप्स वगैरह एंड उधर अपना फार्म में सब कुछ ग्रो करना है। तो गाइस वो मैं ऑफलाइन कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।